एंड वेलकम बैक टू खाना खजाना विद सुनीता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी मूंग दाल का चीला। तो इस मूंग दाल के चीले को आपने पार्टीज में ज़रूर खाया होगा और बिल्कुल क्रिस्पी ये वहाँ पर बनता है। उसी तरीके से आज मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिससे कि बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी आप ये मूंग दाल का चीला अपने घर पर बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूंग दाल का चीला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ मूंग दाल। यहाँ पर मैंने ये 1 कप ली है दाल। तो आप किसी भी नॉर्मल कटोरी से मेजरमेंट करके 1 कप दाल ले लें। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इस मूंग दाल के चीले को बिल्कुल क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप चने की दाल। तो इस चने की दाल से बहुत ही क्रिस्पी मूंग दाल का चीला बनेगा। तो सबसे पहले हम इन दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो 2 बार यहाँ पर मैंने इसे नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका पानी निकाल दिया है। एक और बार हम इस पर पानी डालेंगे। तो दाल को यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसमें पानी डालकर रख देंगे। ऊपर तक यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे कवर करके रख देंगे। तो 2-3 घंटे के लिए यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है। तो अब चीले की फिलिंग की बारी आती है। तो आप देखते हैं बहुत ही टेस्टी चीले की फिलिंग बनती है। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है पनीर। पनीर को मैंने क्रश कर लिया है। 1 शिमला मिर्च को यहाँ पर मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 प्याज ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक चॉप किया है। हरा धनिया लिया है जिसे बारीक चॉप कर लिया है और 3-4 यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ पनीर। यहाँ पर मैंने लगभग 100 ग्राम पनीर लिया है और इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे वेजीज। तो यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, बिल्कुल बारीक इसे चॉप करके डाला है इसमें। 1 प्याज ली है, इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। 3-4 यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत सारा इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये चीला बनता है। आप कोई भी अपने मनपसंद वेजीज डाल सकते हैं इसमें। तो एक बार हम सभी वेजीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टेबल स्पून काले मिर्च पाउडर। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर हमारे चीले की फिलिंग जो है बनकर तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 घंटे बाद मैंने दाल को देखा है, एकदम फूल गई है दाल और सॉफ्ट भी हो गई है थोड़ी। तो बस इसका जो पानी है इसे हम निकाल देंगे। तो दाल का यहाँ पर मैंने पानी निकाल दिया है और इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है। तो दाल को अब हम करेंगे ग्राइंड। ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक जार ले रही हूँ और जार में हमें दाल को ऐड करना है। तो एक बार में जितनी दाल ग्राइंड होगी उतनी मैंने जार में डाल दी है और इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें इसका बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका पेस्ट बन गया है। आप चाहें तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, वैसे इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ऐसे ही बाकी सारी दाल को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा टेबल स्पून सूजी का। तो बिल्कुल फाइन सूजी जो होती है वो यहाँ पर मैंने ली है, इससे बिल्कुल क्रिस्पी डोसा बनेगा। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी जो दाल का बैटर है वो थोड़ा थिक है तो इसे हम थोड़ा पतला करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसमें यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच ऑफ हींग पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसमें नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो इन सभी मसालों को दाल के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जो चीले का बैटर है वो बनकर तैयार है।
आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस कुछ इस तरीके से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है चीला बनाने के लिए। तो चीला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, इस पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पोंछ लेंगे। ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इसमें हमें डालना है 2 बड़े चम्मच यहाँ पर ऐसे बैटर डालना है दाल का, और इसे ऐसे राउंड करते हुए फैला लेना है। तो बिल्कुल जैसे डोसा आप बनाते हैं उस तरीके से बनाना है, बट इसे थोड़ा थिक बनाएं आप। और अब इसके साइड में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ घी, जिससे कि इसकी साइड्स रिलीज हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जैसे इसकी ऊपर की साइड थोड़ी कुक हो जाएगी, उसके ऊपर हम डाल देंगे फिलिंग, जो हमने पनीर की फिलिंग बनाई थी उसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और थोड़ा सा ऊपर से धनिया भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से प्रेस कर देना है फिलिंग को। अब इसकी साइड्स को आप ऐसे रिलीज़ कर लें, तो जैसे ही ये नीचे से सिक जाएगा बिल्कुल आसानी से इसकी साइड्स निकल जाएंगी। और अब हम इसे पलट लेना है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चीला बना है। दूसरी साइड भी इसे पलट लेंगे, और फिलिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें निकली नहीं है। और ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, और इसे हम कर देंगे फोल्ड। तो रेडी है आपका बहुत ही टेस्टी ये चीला, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी सारे चीले भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी है इस पनीर चीले को बनाना। तो आप इसे ऐसे स्प्रेड कर दें, और इसकी कंसिस्टेंसी डोसे से थोड़ी थिक हमें रखनी है, और फिलिंग डालकर हम इसे दोनों साइड से एकदम अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये चीला बनकर तैयार है, और मैं अब आप इसे कट करके भी दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट फिलिंग, बिल्कुल सॉफ्ट इसकी, और बाहर से बिल्कुल क्रिस्प ये चीला बना है। तो बिल्कुल गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें। तो इस पनीर चीले को 2 चटनी के साथ सर्व किया जाता है, एक मिंट की चटनी और एक इमली की खट्टी मीठी चटनी, उन्हीं के साथ मैंने इसे सर्व किया है। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये चीला बनकर तैयार है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।